Have you ever heard of a lake owned by someone? No, obviously ऐसा कहाँ होता है, but ये इंडिया है दोस्त, यहाँ कुछ भी हो सकता है। जी हाँ, हमारे और आपके अपने उत्तराखंड में ऐसी ही एक बहुत सुंदर सी लेक है जो ओन करते हैं इंडिया के ही एक रेजिडेंट, can't name because उनकी परमिशन नहीं है। So this is none other than Bainital, the beautiful, less known but soon to be developed as an astro village and also known as a swimming lake, Bainital. So hello everyone, this is Aishno, your host and unique melodious dost. Welcome to a new vlog और ये है एक super lake के बारे में जिसे बहुत ही कम लोग जानते हैं और आज इसे हम explore करेंगे thoroughly. Purely a pasture land. ओए होए 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 होए. ओए होए 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 होए. Beauty. ओए होए 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 होए. ओए होए 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 होए. ओए होए 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 होए. सुंदर है यार, no doubt. सोचो सर्दियों में कितनी सुंदर लगेगी, आसपास बर्फ है और लेक भी बिल्कुल जमी हुई होगी तो कमाल लगेगा। तो है ना हमारा इंडिया इनक्रेडिबल, जहाँ एक लेक को भी कोई ऑन कर सकता है। सो बेनीताल इज जस्ट 30 किलोमीटर फ्रॉम करण प्रयाग एट एन ऑल्टीट्यूड ऑफ 2600 मीटर्स इन चमोली डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड। लेक को जाना जाता है अपने सीजनल लैंडस्केप्स के लिए, बिकॉज मॉनसून हो, समर्स हो, विंटर्स हो या ऑटम्स हो, हर एक टाइम पे लेक एक बेहतरीन नज़ारा देती है अपने लैंडस्केप व्यू का। वेल, यहाँ पे आएंगे तो एक बहुत ही खास बात का ध्यान रखना पड़ेगा, वो ये है कि टॉप के ऊपर यहाँ पे कोई फूड और स्टे ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, बट येस अगर आप इससे 10 किलोमीटर पहले रुकते हैं तो वहाँ आपको फूड भी अवेलेबल हो जाएगा और साथ में ही स्टे भी। फोटो मैं आपको साथ में शेयर कर रही हूँ और बहुत ही लो कॉस्ट पे। तो इसके थोड़े थोड़े टॉप तक पहुँच गए एंड दिस प्लेस रिमाइंड्स मी ऑफ प्राशर लेक एग्जैक्टली। द होल प्लेन प्लेन, इसको हम लोग जम्मू कश्मीर की भाषा में कहते हैं पदरी, मतलब जो प्लेन लैंड्स होते हैं किसी भी पहाड़ के टॉप पे, बहुत प्यारा है। अभी तो लेक का जो पानी है कुछ हद तक ड्राई हो चुका हुआ है, लेकिन बरसात के बाद एकदम फिल हो जाएगा और फिर इसका व्यू और भी खूबसूरत आएगा। सो इट्स अ प्लेस, बजट फ्रेंडली प्लेस। सो अप्रोक्सीमेटली पर पर्सन का अगर आप लेंगे तो 2000 रुपीज में आप आराम से इस बेहद खूबसूरत जगह को एंजॉय कर सकते हैं, प्रॉपर यहाँ का टूर कर सकते हैं। एंड यस, फॉर द बजट फ्रेंडली पीपल टॉप पे सबसे अच्छा ऑप्शन है रहने का, दैट इज टेंट, और ब्यूटीफुल सीनरिक व्यू मिलेगा, आप पूरा दिन आके एंजॉय कर सकते हो और एक अमेजिंग नाइट व्यू मिलेगा स्टार्स का, जो लोग सितारों से बहुत प्यार करते हैं। जिस तरह कुमाऊं अपनी झीलों के लिए माना जाता है, प्रसिद्ध है, उसी तरह गढ़वाल अपने ट्रैक्स के लिए माना जाता है। और गढ़वाल में आकर एक ये प्यारी सी झील नहीं घूमी तो गढ़वाल का एक बहुत ही प्यारा ब्यूटीफुल एस्पेक्ट मिस कर देंगे आप। सो बेनीताल घूमना इज अ मस्ट थिंग, आपकी बकेट लिस्ट में होना चाहिए। आपकी जमीन वो है ऊपर वाली, हाँ। और ये लेक वाली जमीन सरदारों की है, हाँ। बट ये तो नीचे कोई बता रहा था इसमें सरकार जीत गई। जीत नहीं गई सरकार, जीत नहीं है, हाँ। ये इसमें जीत गया। अच्छा, जानवर को बट अब कार नहीं आता, अभी सिर्फ पैदल जाए। बेनीताल जस्ट इसलिए फेमस नहीं है क्योंकि यहाँ पे एक स्विमिंग लेक है, टॉप पे है और बहुत खूबसूरत है। क्यों ये इसलिए भी फेमस है क्योंकि इसको बनाया जाएगा एक एस्ट्रो विलेज। सो आप पूछेंगे एस्ट्रो विलेज क्या है? सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से यहाँ के ओनर के साथ एक कोलैबोरेशन करके
इस प्लेस को बनाया जाएगा एस्ट्रो विलेज, जहाँ के टॉप से आप देख सकेंगे पूरे नाइट व्यू को, और यहाँ से गैलेक्सी व्यू बहुत ही प्यारा दिखता है। सो वो सब आप इंजॉय कर पाएंगे यहाँ पे, और सभी चीज़ें डेवलप मिलेंगी आपको। सो इंतज़ार करें उसका। सो दिस इज ओनर्स रेजिडेंस, ऑल दो यहाँ पे ओनर खुद नहीं रहते हैं, केयर टेकर रहते हैं यहाँ पे, बट हाँ इस प्लेस को बहुत ही ब्यूटीफुल डेकोरेट करके रखा गया है। अब इसके अंदर जाएंगे और यहाँ के जो केयर टेकर उनसे बातचीत करेंगे। चलिए। व्हाट अ ब्यूटीफुल एंट्रेंस। एक्चुअली मैं यहाँ सेल्फी शूटिंग ज़्यादा अच्छी लगेगी, है ना। लव फ्लावर्स, हम डैम क्रेजी अबाउट फ्लावर्स, एंड इतने सुंदर सुंदर फ्लावर्स हैं इनके पास। अभी तो सीजन में एक्चुअली सही मायने में आया भी नहीं है ना। What a beautiful property it is. I wish मतलब जब तक मैं ओल्ड एज पे आऊँ तो मेरा भी इस तरह की एक लोकेशन पे अपना छोटा सा घर हो, वेयर आई कैन स्पेंड माई रेस्ट ऑफ माई लाइफ। सो हियर इज अ ब्यूटीफुल बेंच एंड टू जेंटलमैन आर हैविंग अ डीप कॉन्वर्सेशन। एंग्वेजर लगता है आप डिफेंस से बिलोंग करते हैं, इज इट? नहीं नहीं सॉरी, ओके, आई एम नॉट डिफेंस पर्सन, आई एम ओनली द ऑर्डिनरी सिविलियन पर्सन। ओके, ये 35,000 नाली रेवेन्यू रिकॉर्ड के हिसाब से जो है अभी तक है, और एक शॉर्ट में मैं आपको कहानी बता रहा हूँ कि ये फिर एक जियो निकला है भारत सरकार की तरफ से, जिसमें कुमाऊं गढ़वाल विनाश भूमि विनाश एक्ट के नाम से कूजा एक्ट, आप बच्चे होंगे तब, बल्कि पैदा भी नहीं होंगे तब की बात बता रहा हूँ। सो उसके अंतर्गत ये एक्ट निकला है कि दिस मच ऑफ लैंड, यानी इतनी ज़मीन का ही मालिक होना हर आदमी को पॉसिबल है, जो धनाढ्य लोग हैं। हम जैसे गरीबों के लिए तो दो नाली एक नाली इनफ है, लेकिन धनाढ्य लोगों के बारे में बताऊँ, जस्ट लाइक विश्वनाथ प्रताप सिंह और महाराजा हैदराबाद हैं, आजकल के नवाब हमारे रामदेव साहब हैं, सतमाल जी महाराज जी हैं, करोड़ों रुपए की संपत्ति लेकर। बट लैंड मेजरमेंट में 35,000 नाली से ज़्यादा आप नहीं रखते, तो इसलिए इसमें ऐसा निकला है कि हम भी उसमें आए हैं। वी आर द फिफ्थ लैंडलॉर्ड ऑफ ऑल ओवर ऑफ इंडिया, दिस लैंड दिस स्टेट, ओके, दिस पर्टिकुलर स्टेट ऑफ दिस लैंड। सो मैम, वो कूजा एक्ट के अंदर हम भी आए, हमारे हक से जो है जंगल फॉरेस्ट जो है फॉरेस्ट में चला गया, अब इस पूरे स्पॉट के हम मालिक हैं। मतलब जितना ये मतलब जितना ये प्लान है पास्चर लैंड है, जितना भी नीचे से आपने देखा जी 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 जी, ये हमको सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार मिला है कि मालिक श्री राजीव सरीन हैं, सन ऑफ श्री प्रेमनाथ सरीन, इससे हमें अर्निंग कुछ नहीं है, जस्ट टू टेक केयर जस्ट टू टेक केयर द हिस्टोरिकल लैंड। तो ये इसकी शॉर्ट में मैंने आपको ये कहानी बताई है, जिससे पहले अंग्रेज वायसराय की स्टेट। तो ये है यहाँ पे बेनीताल होमस्टे,
जिसके इस नंबर पे आप कॉन्टैक्ट करके अपने लिए बुकिंग भी करवा सकते हो। सो अभी तक हम मेरे ख्याल से 7 to 8 किलोमीटर्स नीचे आ चुके हैं और उसमें ये एक ही होम स्टे है, तो इसके अलावा थोड़े गूगल पे सर्च भी करने पड़ेंगे और नीचे आपको करण प्रयाग में होम स्टे अच्छे मिल जाएंगे, बहुत सारे ऑप्शंस के साथ। फोटोग्राफर हस्बैंड जिन्हें फोटोग्राफी के अलावा और कुछ पसंद नहीं है।